प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर मेरा कमेटी के बैनर तले राजेश्वर महादेव मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मेरा कमेटी अध्यक्ष विपुल शर्मा ने सावन के पहले सोमवार को लगने जा रहे लक्की मेले में प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की व्यवस्था न करने को लेकर रोष व्यक्त किया। इस बार जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं वो दो साल के गैप की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक कोई भी संज्ञान लिया ही नहीं है। जबकि हमारे मेला कमेटी के जो है ट्रस्ट मेला कमेटी के अध्यक्ष विपुल शर्मा जी 10 दिन पहले ही जो है डीएम एडीएम आपके नगर आयुक्त और आगरा विकास प्राधिकरण आदि सब जगह पर ज्ञापन दे आए हैं, लेकिन किस कोई भी अधिकारी अब तक जो है मंदिर पर नहीं आया है और ना ही कोई व्यवस्था के बारे में सफाई या अतिक्रमण वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई है। विगत दो वर्षों से दरअसल शासन प्रशासन को जो नया शासन प्रशासन आया है तो उनको संज्ञान में नहीं है और हमने हर तरीके से बता दिया गया है और आखिरी सीमा उनकी 10 तारीख नियत करता हूँ मैं आप सबके सामने। अगर 10 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 11 तारीख को सुबह 10 बजे हम शमशाबाद रोड जाम कर देंगे। मैं आपके माध्यम से इस चीज़ को सूचना ऊपर उच्च अधिकारी तक पहुंचाना चाहता हूं कि पुनः 10 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हमको दिखाई देती है तो हम 11 तारीख को सुबह शमशाबाद रोड को जाम कर देंगे। जिला अधिकारी को दे दी हमने एप्लीकेशन और जो है मुख्य अधीक्षक जी हैं उनको भी दे रखी है, नगर आयुक्त जी को भी दे रखी है, लेकिन अभी किसी से कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई है हम लोगों ने और कोई भी व्यवस्था अभी नहीं हुई है। मांगों में यह है कि स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है और काफ़ी सारे खंभे भी हिल रहे हैं जिसके कारण भीड़ भाड़ में दुर्घटना भी हो सकती है और जो नाले भी साफ नहीं हो रखे हैं, थोड़ा सा ही बारिश हो जाती है उसी में जल भराव हो जाता है और फिर मेले के टाइम में भी बारिश हो गई तो जल भराव हो जाएगा, उसमें व्यवस्थाएँ ख़राब होगी।